नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड वेस्टिबुलर थेरेपिस्ट। आज हम चर्चा करते हैं माउथ अल्सर्स के बारे में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में मुंह आना बोलते हैं, मुंह में छाले हो गए। तो आजकल ये बड़ी कॉमन समस्या हो गई है और जिन्हें होते हैं वो बार बार होते रहते हैं और काफ़ी दर्द होता है, खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, बातचीत करने में भी दिक्कत हो जाती है और बस यही प्रॉब्लम आगे शुरू रहता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या 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 कारण हैं। तो पहला सबसे मेन कारण तो स्ट्रेस है। स्ट्रेस कोई भी वजह से हो सकता है, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, एजुकेशन को लेके, रिलेशनशिप ले, कोई भी स्ट्रेस। तो अगर ये स्ट्रेस हद के बाहर जा रहा है तो शरीर में एक हीट तैयार करता है, क्योंकि स्ट्रेस वालों में तो सोच आती है, सोच आई कि शरीर में एसिड तैयार होता है और एसिड से फिर गर्मी होके मुंह में, फर्स्ट थिंग इज मुंह में छाले आ जाते हैं। लाइफस्टाइल भी आजकल ऐसी हो गई कि नींद बहुत कम होती है और बाहर का खाना पीना भी ज़्यादा हो रहा है, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने में आ रहा है और नींद कम हो रही है, स्ट्रेस ज़्यादा है, तो माउथ अल्सर्स तो होना ही होना है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी एक बड़ी समस्या है इसमें। एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़े थोड़े कारण के लिए लोग एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स से होता क्या है कि जो इंटेस्टिनल फ्लोरा होता है हमारे पेट में वो वॉश आउट हो जाए, मतलब जो बुरे बैक्टीरिया वो तो मरते ही है, अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो इसके वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और फ्रिक्वेंट माउथ अल्सर्स होना चालू हो जाता है। तो जैसे पेन किलर्स की एक बात की, वैसे और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो ज़्यादा लेने में भी कभी कभी दिक्कत होती है। कैंसर की ट्रीटमेंट चलती है केमोथेरेपी, उसमें भी काफ़ी स्ट्रांग मेडिसिन होती है, कभी कभी उनका भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, लेकिन लेनी ज़रूरी होती है। तो आप उसके साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हो ताकि अल्सर्स जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर और एक कॉज है कि विटामिन डिफिशेंसी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, प्राय विटामिन डी और विटामिन B12 का डिफिशेंसी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर होता है बार बार मुंह में छाले आने का। बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी भी बहुत लोगों में होती है और बी कॉम्प्लेक्स की कॉमन गोलियां भी लेने से ये काफ़ी हद तक मतलब यूजफुल साबित हुई है। लास्ट में इन्फेक्शन, तो मुंह में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बार बार अल्सर्स आते रहते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ओरल हाइजीन। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग हमारे ओरल हाइजीन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पूरा नेग्लेक्ट करते हैं उसको। दांत के बीच में कभी कभी फूड अटक करके वो सड़ जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है और पूरा जो मुंह में का म्यूकस मेम्ब्रेन का एक हेल्थ होता है वो पूरा खराब हो जाता है। तो कभी हम गलती से भी अगर चबा लेते हैं, स्किन निकल जाती है, उसमें इन्फेक्शन होकर वो अल्सर बन जाता है। तो ऐसे कई लोगों को बार बार होते रहते हैं, जिससे वो गलती से भी थोड़ा चबा लेते हैं, बस उनके 7-8 दिन तो गए, बड़ा अल्सर हो जाता है। तो इट इज़ ड्यू टू बैड ओरल हाइजीन। दिनों में मैंने ये भी देखा है कि हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे शरीर में दोनों में, मेल्स फीमेल्स में, कि उसकी वजह से भी माउथ अल्सर्स बार बार होने लग गए हैं। पहला काम तो ये करना है कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करना है इसको, और बराबर समय पे खाना है, समय पे सोना है, आउटसाइड फूड, जंक फूड इसकी मात्रा मिनिमम करनी है, थोड़ा धूप में भी जाना है ताकि विटामिन डी मिल जाए, और लॉट्स ऑफ सलाद, ग्रीन वेजिटेबल्स ये लेना है। फिर जितनी बार आप मुंह में कुछ डालोगे, खाना खाओगे, उतनी बार आपको रिंस करना है अच्छी तरह, मुंह में मतलब कुल्ला करना है, 10-12 बार पानी मुंह में लेके कुल्ला करके थूक देना है उसको, और देखना है कि मुंह में कुछ बैड ऑडर या ऐसा कुछ डेवलप हो रहा है, या अगर ऐसा है तो आप डेंटिस्ट को भी जाके बता सकते हैं। जो ब्रश करते हो आप, उसके ब्रिसल्स भी थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए,
नहीं तो वो हार्ड अगर होंगे तो बार बार गम्स को और माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हर्ट करते रहेंगे और उससे भी जल्दी जल्दी अल्सर्स होने का चांस होते रहता है। इनकी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाई बताता हूँ। होम्योपैथिक दवाई लेने से वो जो बार बार अल्सर्स होने की जो टेंडेंसी है आपकी वो रूट आउट हो जाएगी हमेशा के लिए। और अगर फिर भी आपको आते रहता है तो आप कोई तो होम्योपैथ को बता के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। बट द कॉमनेस्ट मेडिसिन इज बोरैक्स। बोरैक्स में क्या होता है, मुंह में जो अल्सर्स होते हैं वो हॉट फीलिंग रहता है, अंदर गरम गरम लगता है कि जैसे हीट निकल रही है अंदर से। और बोरैक्स पेशेंट बहुत डरपोक होते हैं, इनको हर चीज़ में डर लगते रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में। प्लस इनको फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन है। अब फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन का मतलब ये है कि उन्होंने लाइफ में एक ऊंचाई हासिल की होती है तो उनको लगता है कि भाई यहाँ से मेरा डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, कि मेरा ये जो पोजीशन आज मिला है कहीं वहाँ से मैं नीचे न चला जाऊँ। तो ये डर उनके हमेशा उनके मन में रहता है। सर्विस हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन हो या उनकी आमदनी हो, समझो उनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है तो उनको डर लगता है कि यार ये 1 लाख रुपए महीने का जो मेरा आमदनी कहीं 50,000 ना हो जाए। तो ये डर हमेशा रहता है, मतलब ये टेंशन उनके दिमाग में हमेशा ही रहता है। इसको हम फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन बोलते हैं। तो उसको नीचे नहीं जाना है भाई, भले ही जल्दी जल्दी ऊपर नहीं बढ़े लेकिन हाई वो पोजिशन पे वो स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशन की वजह से बोरैक्स में बार बार अल्सर्स होते रहते हैं। ये सिम्टम नहीं रहा तो भी बोरैक्स इज द फर्स्ट मेडिसिन, वो देने से 50% केसेस मेरी तो आज तक ठीक हो गई है। तो बोरैक्स 30 पावर की 4-4 गोली दिन में 3 बार एक 5 दिन लेने से ही पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के बहुत पेशेंट्स आते हैं कि जिनके लाइफ में पूरा स्ट्रेस है, बोरैक्स से भी ज़्यादा स्ट्रेस। इनको हम सोडा वाटर बोतल बोलते हैं। सोडा वाटर बोतल मीन्स कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर के ऊपर से उसको पैक कर देते हैं, मतलब अंदर से बोतल पूरा प्रेशराइज रहता है। जैसे वो सोडा वाटर बोतल को खोलते हैं हम लोग, उसमें से जोर से निकलता है क्या जो लिक्विड अंदर रहता है, सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हवा जो भी है बहुत फोर्स से अंदर निकलते हैं। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की भावनाएं, उसका टेंशन ये भी उतने ही फोर्स से अंदर है कि जिसको आउटलेट ही नहीं है, अंदर के अंदर प्रेशराइज है। ऐसे वक्त बार बार ओरल अल्सर्स होते रहते हैं। इसको मैथमेटिका में लिखा गया है कैंकर सोर्स। तो ये रिपीटेडली होते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम में, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड आपको मिलना चाहिए स्ट्रेस। अगर कारण नहीं रहेगा तो फिर वो मेडिसिन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड में माउथ तो अल्सरेटेड रहता है, जब आप माउथ ओपन करके चेक करेंगे तो आपको टंग भी पूरा थिक वाइट कोटेड दिखेगा, पूरे लेयर जमी रहती है टंग के ऊपर, और इसका स्टमक खराब रहता है। इसको खाने को तो बहुत लगता है लेकिन ये पचा नहीं पाता है बेचारा। तो स्टमक डिसऑर्डर होता है, हीट तैयार होता है शरीर में और मुंह में छाले आ जाते हैं। तो ये था एंटीम क्रोड। और एक मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है, वो है नक्सोमिका। नक्सोमिका के बारे में तो आप सभी जानते भी होंगे, या मैं बता दूं आपको कि ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसके लिए नक्सोमिका बहुत ज़्यादा सुटेबल है। देर रात तक जागना, बाहर का खाना, स्पाइसी खाना, दारू पीना या फिर टोबैको चू करना, पान मसाला गुटखा, मतलब जितनी भी बुरी एक्साइटमेंट वाली आदतें हैं सब नक्सोमिका को रहती है। तो ये मॉडर्न, तो ये सब करने से इसको क्या है कि एसिडिटी हो जाती है, स्टमक डिसऑर्डर होता है, बार बार लैट्रिन की हाजत लगी रहती है लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है, पेट में एसिड होता है, डकारे आते रहती है, फुलनेस रहता है एक पेट में, ये सेटिस्फाइड नहीं रहता है अपने पेट से, हमेशा हमेशा इसको लगता है कि अरे यार 2 नंबर होके आता हो थोड़ा फ्रेश लगेगा, अरे यार 2 नंबर होके आता हो फ्रेश लगेगा, और हमेशा चिड़चिड़े हुए, कभी इनके दिमाग को शांति ही नहीं होती है।
और काम तो परफेक्ट होता है इनका, इतने सब होने के बावजूद भी काम एक नंबर करते हैं। काम में अगर इधर उधर हो गया तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर रात में जग करके भी वो अच्छे से अच्छा आउटपुट देने की कोशिश करते हैं। तो ये था नक्सोमी का। लास्ट मेडिसिन बताता हूँ, मार्कसॉल। मार्कसॉल में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े अल्सर्स हो जाते हैं और जल्दी से हील नहीं होते हैं, बहुत सीवियर पेन होता है, और साथ में इनको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और पसीना भी छूटते रहता है। वन मोर मेडिसिन, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एक सिफिलिटिक ग्रुप का मेडिसिन है। इनके एक बार अल्सर हो गया तो हफ्ते भर छूटेगा नहीं, और स्प्लिंटर लाइक पेन, ऐसा सुई गटने जैसा दर्द होते रहता है। इनका भी दर्द रात को बढ़ता है, लेकिन जनरली इनका जो लोकेशन होता है अल्सर्स का, ये म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, मतलब जैसे ये ओट है लिप्स के इनसाइड में ही, तुरंत तो क्यूटेनियस जंक्शन है वहाँ पर ये अल्सर्स ज़्यादा होते हैं। और नाइट्रिक एसिड भी दर्द रात को ज़्यादा होता है, इसका परस्पिरेशन भी ऑफेंसिव होता है, स्मेल होती है, बहुत ही गुस्सेल पर्सनैलिटी होती है इनकी। इनको आप सॉरी बोलोगे तो भी ये आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं, ये बदला लेना है तो लेके ही रहेंगे, तभी इनका दिमाग शांत होता है। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन बाहर से अगर लगाना है आपको, तो आप हनी लगा सकते हो, या फिर जो प्योर घी होता है घर का बना हुआ वो लगा सकते हो, या फिर एनोरा जेल भी एक अच्छा मेडिसिन है, या हेक्सी जेल भी एक अच्छा मेडिसिन है फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो लगाएंगे तो थोड़ा सा इन्फेक्शन कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको इससे आपको मदद होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।